गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो भाई? ऑल गुड? हाँ, आई एम फाइन फाइन फाइन, बिल्कुल बढ़िया। चले, आपने पढ़ाई किया होगा, है ना? पढ़ाई करते रहे, स्टार्ट करते हैं, है ना? फालतू तो कुछ बात करने का मतलब नहीं है, है ना? टाइम सेव करते हैं बेटा। अभी जो आपने एनसीईआरटी जो पढ़ा है ना, उस एनसीईआरटी में कुछ चीजें आप जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस का पेज नंबर जो है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो पेज नंबर पढ़ लेना डाईहाइब्रिड क्रॉस वाला। थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 78, 79 और 80। पेज नंबर 78, 79 और 80, है ना? ये आप एनसीईआरटी का पढ़ लेना, ठीक है ना? चले आइए, अब बात करते हैं यहाँ पर बेटा अपने स्पेशल क्रॉस के बारे में। स्पेशल क्रॉस जो कि मेंडल ने कराया था। अब देखो, मेंडल ने क्रॉसेस जो कराए थे वो बहुत कम क्रॉस कराए थे, लेकिन इन्होंने कुछ स्पेशल क्रॉसेस भी कराए थे, है ना? और वो स्पेशल क्रॉस क्या था, इसके बारे में जरा बात करते हैं। स्पेशल क्रॉस में सबसे पहला इन्होंने स्पेशल क्रॉस कराया, वो था बैक क्रॉस। समझते हैं बैक क्रॉस क्या है, ठीक है? मेंडल ने बैक क्रॉस में क्या कराया था कि F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विथ एनी वन ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट, ठीक है ना? यानी F1 का होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस करा देना, ये कहलाता है बैक क्रॉस। नाम से ही समझ में आ रहा है, बैक यानी कि फिर से F1 का पेरेंट से क्रॉस करा देना। और आप सबको पता है कि बेटा क्या होते हैं पेरेंट्स, हमेशा होमोजाइगस या प्योर ही लिया गया था मेंडल के केस में, है कि नहीं? मेंडल हमेशा पेरेंट्स को प्योर लेकर के ही क्रॉस कराते थे, आप सबको पता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, बोला गया भाई प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, ये तो पेरेंट हो गया। मेंडल हमेशा प्योर पेरेंट सेलेक्ट करके स्टडी करते थे। फिर उसके बाद से क्रॉस कराने के बाद ये जो आया F1 जो कि टॉल हुआ। अब बैक क्रॉस कहने का मतलब ही क्या है, F1 का फिर से किसी भी होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस करा देना। तो फिर से पीछे जाकर क्रॉस करा रहे, इसलिए कह रहे बैक क्रॉस। फिर ये बैक क्रॉस जो है वो दो टाइप का होगा, बैक क्रॉस जो है वो दो टाइप का होगा। एक तो कहेंगे बेटा अपन, जब F1 का होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करा दिया जाए तो उसको कहते हैं हम आउट क्रॉस, उसको कहते हैं हम आउट क्रॉस। और अगर मान लो कि ये F1 का होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करा दिया जाए तो ये बैक क्रॉस का दूसरा टाइप होता है, जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस कितने टाइप के हो गए बेटा, दो टाइप के, ठीक है? बैक क्रॉस कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। अब F1 है तो F1 को दोबारा से पेरेंट से क्रॉस कराना। आप सबको पता है कि पेरेंट यहां पर दो टाइप के दिख रहे हैं, एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक तो होमोजाइगस रेसेसिव है। तो F1 का किसी से भी क्रॉस करा देना पेरेंट से, वो है बैक क्रॉस। लेकिन बैक में भी दो विकल्प बन रहा है, दो ऑप्शन बन रहा है। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करा दिया तो क्या कह देंगे बेटा, आउट क्रॉस, राइट अपाशी, वेरी गुड। और अगर हम क्या कराएंगे, होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करा देंगे तो टेस्ट क्रॉस। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख रही ना भाई? सब कुछ सही है ना, परफेक्ट है ना? बेटा ऑफलाइन का देखो, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया, आ जाएगा, ऑल परफेक्ट। बेटा जिसका नहीं आ रहा है एकदम, बेटा देख अपना नेटवर्क इशू होगा या कनेक्टिविटी अपना देख, सही से किया है नहीं किया है। ठीक है ना? चलिए आइए, अब इसके बाद से यहां पर ये तो हो गया टेस्ट क्रॉस। अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहला बेटा बैक क्रॉस को हमने बोला दो टाइप, दो टाइप आपने देख लिया। एक तो है बेटा आउट क्रॉस, दूसरा है टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना? एक तो है आउट क्रॉस, दूसरा है टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस को हमने क्या बोला बेटा, कि जब भी आप F1 इंडिविजुअल का क्रॉस किससे करा दें, डोमिनेंट पेरेंट्स। और आप सबको पता है कि ये डोमिनेंट पेरेंट हमेशा कैसा होता है, होमोजाइगस, ठीक है ना? डोमिनेंट पेरेंट हमेशा कैसा होता है, होमोजाइगस, क्योंकि मेंडल के क्रॉस में आप सबको पता है कि वो पेरेंट को हमेशा होमोजाइगस ही लेकर के क्रॉस कराया करते थे, ठीक है ना? इसके बाद से
ये क्रॉस अपन कहते हैं इन दिस क्रॉस ए नेक्स्ट जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर आर अपीयर्ड सो नो सो एनी टाइप ऑफ एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। जरा समझना इस बात को, थोड़ा समझने वाली बात है। देखें ये F1 हाइब्रिड है और इसका क्रॉस करा रहे हैं हम होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से। जीनोटाइप जरा अपन लिख लें, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो इसको लिख दिया कैपिटल टी, ठीक है ना। जो F1 हाइब्रिड है बेटा आप सबको पता है इससे दो टाइप का गैमेट बनेगा, और जो होमोजाइगस डोमिनेंट है इससे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, और इससे आप चेकर बोर्ड बना सकते हैं बड़े आराम से, और जाइगोट क्या क्या बनेंगे वो आप बना सकते हैं। बन जाएगा यहाँ से कैपिटल टी वाला टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल। इसका फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो बेटा आपको क्या नजर आएगा, ऑल टॉल, सभी के सभी टॉल नजर आ रहे हैं। रेशियो बोलना चाहो तो बेटा कह सकते हो 1:0, रेशियो कहना चाहो तो 1 भी लिख सकते हो या 1:0 भी कह सकते हो। 0 का मतलब क्या हो गया बेटा कि दूसरा पैरामीटर यहां नहीं है, है कि नहीं। दूसरा पैरामीटर क्या हुआ बेटा, ड्वार्फ नहीं है, है ना। आप रेशियो कभी भी एक पैरामीटर के बेसिस पर बात नहीं करते ना, रेशियो का मतलब बेटा दो या दो से ज्यादा पैरामीटर के बीच में ही तो बात करते हैं अपन, ठीक है ना बेटा, यही तो होता है बात। तो अब यहां पर क्या हुआ कि इस फिनोटाइप में केवल टॉल ही आया है, सिर्फ टॉल आया है, इसलिए फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाए तो आप ऑल टॉल कह लो, या फिर आप रेशियो में बताना चाहो तो अच्छा है 1:0 रेशियो बता दो, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो की बात की जाए तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि बेटा ये दोनों का जीनोटाइप कैसा है, अलग अलग है, तो ये आ जाएगा 1:1। अब जरा समझना, यहां पर बोला गया है कि इन दिस क्रॉस, दूसरा पॉइंट देखो, इन दिस क्रॉस इन नेक्स्ट जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर आर अपीयर्ड, ठीक है। तो जरा F1 को देखोगे आप बेटा, ये देखो F1, तो F1 भी टॉल आ रहा है, और ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है ये भी टॉल दिखेगा, और यहां पर भी जो भी पौधे क्रॉस कराने के बाद बर्थ ले रहे हैं वो सभी टॉल ले रहे हैं। यानी आपने क्रॉस भी सेम ट्रेट के बीच में कराया है और आने वाला भी सेम ट्रेट है, तो कोई एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। सेम सेम के बीच में क्रॉस कराया, सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो आप किसी चीज को कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। इसलिए आउट क्रॉस मेंडल के काम में नहीं आया। आउट कहने का मतलब क्या हो गया, इसको बाहर कर दिया, आउट है ना, इसलिए नाम आया आउट क्रॉस, नॉट सो यूजफुल फॉर मेंडल, है ना, इसलिए आउट कर दिया। मैं ये कहूं कि आउट क्रॉस बेटा बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है तो ये गलत बात है। आपको मालूम है कि जब भी मैं आउट क्रॉस कराऊंगा तो बेटा इससे जितने भी ऑर्गेनिज्म बर्थ लेंगे सब डोमिनेंट बर्थ लेगा नहीं लेगा आउट क्रॉस से, जरा आप ये बताओ। जब भी आप आउट क्रॉस कराओगे केवल डोमिनेंट ही बर्थ लेगा ना। अब आप मुझे ये बताना कि बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो अच्छे कैरेक्टर होते हैं या खराब कैरेक्टर होते हैं। जनरली मोस्टली अच्छे होते हैं, यूजफुल होते हैं, डिजायरेबल होते हैं, बेटर कैरेक्टर होते हैं कि नहीं। यानी कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को सुपीरियर बनाना हो, बेहतर बनाना हो, अच्छा बनाना हो, तो होमोजाइगस डोमिनेंट अगर क्रॉस कराऊंगा तो बिल्कुल आगे डोमिनेंट तो आना ही आना है कि नहीं। लेकिन आउट क्रॉस का यूज तो है, लेकिन आउट क्रॉस मेंडल के लिए इतना यूजफुल नहीं था। अब वो किस सेंस में मैं बोलने जा रहा हूं यूजफुल नहीं था, जरा समझना। यहां पर क्या करते थे कि जिनके बीच में भी मान लो कि ये F1 है, ये F1 है, F1 का जीनोटाइप क्या है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, F1 का कैपिटल टी स्मॉल टी है बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को जो अभी बोलने जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मैंने यहां पर बेटा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब मैंने बोला कि मान लो कि इसका जो है जीनोटाइप हमें नहीं पता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता, किसका बेटा, F1 का। अब सोचना कि बेटा ये F1 होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस हो, रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा, सिर्फ टॉल ही आएगा ना, क्योंकि आप क्रॉस किससे करा रहे हो, कैपिटल टी से ही, ठीक है ना। तो जब भी आप होमोजाइगस टॉल से क्रॉस कराओ किसी भी टॉल से, अब वो टॉल होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस हो, आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते
कि ये जो टॉल मैंने क्वेश्चन मार्क जो लगाया है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है ना, क्लियर। इसलिए मेंडल के काम नहीं आ पाया क्या चीज, आउटक्रॉस, उसको उन्होंने हटा दिया, उसको इन्होंने रहने दिया। अब इसके बाद से दूसरा एक क्रॉस है, जब वो दूसरा क्रॉस समझाऊंगा तो अपने आप ही ये जो आउट क्रॉस है ये भी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं अभी आउट क्रॉस के बाद जब टेस्ट क्रॉस समझाता हूं तो टेस्ट क्रॉस से आउट क्रॉस और क्लियर हो जाता है। तो जरा टेस्ट क्रॉस समझ लें और फिर आउट क्रॉस पर अपन चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले टेस्ट क्रॉस समझ लें ताकि पहले वाला अपने आप को बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर आप सबको पता है कि बेटा टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 इंडिविजुअल का क्रॉस करा रहे हैं रेसेसिव पेरेंट, और आप सबको पता है बेटा रेसेसिव वाला तो हमेशा ही होमोजाइगस होता है, ठीक है। अब देखें यहां पर दिस क्रॉस इज वेरी सिग्निफिकेंट, यानी ये क्रॉस बहुत ज्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, कैसे जरा समझें। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में भी क्या किया गया है भाई, टेस्ट क्रॉस का मतलब ही तो यही था, F1 का क्रॉस करा रहे थे अपन, और F1 का क्रॉस करा रहे थे रेसेसिव पेरेंट से, और रेसेसिव वाला पेरेंट आप सबको पता है होमोजाइगस होता ही है, तो आपको मर्जी पड़े तो होमोजाइगस लिखें या ना लिखें, क्योंकि रेसेसिव वाला अंडरस्टूड होता है कि होमोजाइगस ही होगा। अब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कह रहा हूं इसका मतलब बेटा एक जीन की स्टडी की टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा हूं, एक जीन की स्टडी में टेस्ट क्रॉस, जहां पर देखो जो हाइब्रिड है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है और रेसेसिव वाला स्मॉल टी है। अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इससे दो टाइप का गैमेट बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी रेसेसिव पेरेंट से बन जाएगा बेटा स्मॉल टी सिर्फ गैमेट, और इससे आप चेकर बोर्ड बड़े आराम से बना सकते हो, आपको दिखेगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल और ये स्मॉल टी दिख जाएगा ड्वार्फ, ठीक है। अब यहां पर आप देखो फिनोटिपिक रेशियो 1:1 बन रहा है ना, टॉल भी वन आया है और ड्वार्फ भी वन आया है, तो 1:1 का रेशियो हो गया। अब जरा जीनोटिपिक रेशियो देखो बेटा, यहां पर 1:1 आया जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी वन आया और स्मॉल टी वन आया, 1:1 का रेशियो आया, ठीक है। तो ये तो है टेस्ट क्रॉस। अब जरा यहां पर देखना, मैं थोड़ी देर के लिए अभी जो बात कर रहा था, मान करके चलो कि जो ये F1 है, जो ये F1 है इसका जीनोटाइप थोड़ी देर के लिए मान के चलो नहीं पता, ठीक है। F1 जो है थोड़ी देर के लिए मान करके चलो नहीं पता, अगर ये F1 का जीनोटाइप नहीं पता है तो अगर मान लो कि मैं इसको होमोजाइगस टॉल लेता तो बताओ बेटा इससे सिर्फ क्या आता रिजल्ट, सिर्फ टॉली आता ना। और अगर मान लो कि हम हेट्रोजाइगस लेकर के चल रहे हैं तो इसके साथ क्या आ रहा है बेटा, टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी आ रहा है। तो जरा बताना कि अगर ये F1 का हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है तभी तो ड्वार्फ आया है, अगर F1 हेट्रोजाइगस नहीं होता तो क्या ड्वार्फ आता क्या बेटा, क्या यहां पर F1 हेट्रोजाइगस नहीं होता तो ड्वार्फ आता नहीं आता ना बेटा। और अगर होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस रेसेसिव से करा देते तो ड्वार्फ नहीं मिलता, होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस रेसेसिव से करा देते तो ड्वार्फ नहीं मिलता। तो यहां पर क्या दिख रहा है बेटा, आपने टॉल का क्रॉस कराया है ड्वार्फ से और रिजल्ट जो है वो आपको ये बता दे रहा है कि टॉल का ड्वार्फ से जो क्रॉस कराए तो टॉल वाले का जीनोटाइप कैसा होगा, वो टॉल वाले जीनोटाइप होमोजाइगस होंगे या हेट्रोजाइगस होंगे, समझ में आ रही बात। तो ये टेस्ट क्रॉस नाम से समझ में आ रहा है कुछ टेस्ट करने के लिए आ सकता है काम, किसके टेस्ट के लिए बेटा, किसी डोमिनेंट का रेसेसिव ऑर्गेनिज्म से क्रॉस करा दे तो हमें डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप का पता पड़ जाता है, जब किसी डोमिनेंट का रेसेसिव वाले से क्रॉस करा दें तो डोमिनेंट वाले का जीनोटाइप पता पड़ जाता है। अब जरा खुद सोचो, अगर मैंने डोमिनेंट वाले का क्रॉस रेसेसिव से कराया है और सिर्फ टॉल मिल रहा है तो बताओ बेटा डोमिनेंट वाला होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, सिर्फ टॉल मिला है तो होमोजाइगस है ना, क्लियर। टॉल का क्रॉस ड्वार्फ से कराया और सिर्फ टॉल मिला तो बेटा ये होमोजाइगस होगा, तभी सभी के सभी टॉल मिलेंगे। अब बेटा एक दूसरी बात ऐसे सुनो, टॉल का क्रॉस ड्वार्फ से कराता हूं और मुझे टॉल और ड्वार्फ दोनों मिलता है क्रॉस से तो कैसा होगा, टॉल हेट्रोजाइगस। बात आ रही समझ में,
इसका मतलब जब मैं रेसेसिव वाले से क्रॉस कराता हूं डोमिनेंट का, तो इस डोमिनेंट वाले की आप टेस्टिंग कर पा रहे हो। किस चीज की टेस्टिंग? उनके जीनोटाइप की टेस्टिंग। तो मेंडल ने किस क्रॉस को रखा? टेस्ट क्रॉस को रखा जो उनके काम का था। आउट क्रॉस मेंडल के काम का नहीं था। क्यों काम का नहीं था? क्योंकि मेंडल जो है डोमिनेंट का ही क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट से कराते थे। F1 कैसा था? डोमिनेंट ही था। और जब डोमिनेंट का क्रॉस, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस हो, आप उसका क्रॉस मस्ट है, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करा देते तो सारे के सारे डोमिनेंट ही आते। इसलिए जो है आउट क्रॉस से कोई एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। अब मेरे ध्यान से बात सुनना, अभी कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्योंकि जेनेटिक्स इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, है ना? जेनेटिक्स इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, सुने बेटा? इसीलिए मैं हर छोटी छोटी बातों को भी लाता हूं जो आपके दिमाग में आ सकता है, समझे इस बात को बेटा। किसी भी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप पता लगाने के दो रास्ते, एक होता है बेटा सेल्फिंग। जरा बताओ, मेंडल ने F1 का सेल्फिंग कराया था तो टॉल और ड्वार्फ मिला था, नहीं मिला था? F2 में मिला था ना बेटा। थोड़ी देर के लिए मान करके चलो कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होता और सेल्फिंग कराते तो सिर्फ टॉल मिलता, नहीं मिलता? होमोजाइगस टॉल का सेल्फिंग कराते तो सिर्फ टॉल मिलता ना। यानी क्या सेल्फ पॉलिनेशन से आप जीनोटाइप का पता लगा सकते हो बेटा? बिल्कुल पता लगा सकते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन से भी जीनोटाइप पता लगा सकते हैं। जरा खुद सोचना कि भाई होमोजाइगस टॉल है और उसमें सेल्फिंग कराओगे तो बेटा आगे सिर्फ टॉल मिलेगा। हैं, सेल्फिंग का मतलब क्या हो गया? कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी कैपिटल टी से करा दो, तो इससे क्या मालूम चल जाएगा? सभी टॉल आएंगे, है ना? और अगर हेटरोजाइगस के बीच में अगर आप सेल्फिंग कराते हो तो आपको पता है बेटा, जब आप हेटरोजाइगस के बीच में, ये तो एक केस ले लिया, ये मान लो दूसरा केस, और अगर हेटरोजाइगस के बीच में आप सेल्फिंग कराते तो बेटा आपको क्या मिल जाता? टॉल और ड्वार्फ दोनों मिल जाता ना, 3:1 के रेशियो में। तो जब आप डोमिनेंट डोमिनेंट के बीच में सेल्फिंग कराते हो और टॉल ड्वार्फ मिल रहा है 3:1 में, तो मतलब हेटरोजाइगस है। और अगर आपने टॉल टॉल का सेल्फिंग कराया है और वो सिर्फ टॉल ही आ रहा है आगे, तो इसका मतलब होमोजाइगस है, ठीक है? तो सेल्फिंग से भी जीनोटाइप का पता लगाया जा सकता है। आप ध्यान से सुने मैं बात कर रहा हूं, मेंडल क्या करते थे बेटा, सेल्फिंग से भी पता लगा लेते थे कि कौन सा पौधा प्योर है। मेंडल के भाषा में हुआ करता था प्योर और इम्प्योर। होमोजाइगस हेटरोजाइगस शब्द तो बाद में आया है, बताओ जरा होमोजाइगस हेटरोजाइगस टर्म्स गिवन बाय, याद है पहला लेक्चर, होमोजाइगस हेटरोजाइगस टर्म गिवन बाय? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, कईयों को याद है, बैटसन याद है ना बेटा, वेरी गुड। आ जाएं, तो मेंडल ने प्योर और इम्प्योर जो है वो तो सेल्फ पॉलिनेशन से भी पता पड़ जाता था, लेकिन मेंडल क्या करते थे बेटा, दोबारा वेरीफाई करते थे, क्रॉस चेक दोबारा से, और वो टेस्ट क्रॉस से भी कंफर्म हो जाते थे कि जैसे F1 का सेल्फिंग करा करके F2 में टॉल और ड्वार्फ आया, तो मेंडल को पता था कि F1 तो इम्प्योर होगा, हेटरोजाइगस होगा, तभी तो F2 में टॉल और ड्वार्फ आया। और फिर मेंडल क्या करते थे, दोबारा से उस चीज को ऑथेंटिकेट करते थे, कंफर्म करते थे कि क्या मेरी बात सही है क्या, और वो कराते थे कंफर्म, टेस्ट करते थे किससे बेटा, जीनोटाइप कंफर्म करने के लिए मेथड का यूज होता है बेटा टेस्ट क्रॉस। बात आई समझ में? तो क्या बेटा सिर्फ टेस्ट क्रॉस से ही आप जीनोटाइप का पता लगा सकते हो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का? आप सेल्फिंग से भी पता लगा सकते हो ना। हाँ बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ वीरेश्वर, एक दो बच्चों को नहीं समझ में ऐसा लिख रहे, क्या हो गया भाई? इसमें सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर टेस्ट क्रॉस का मतलब है डोमिनेंट का क्रॉस रेसेसिव से, ठीक है? अगर डोमिनेंट मान लो होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो बेटा सिर्फ टॉल ही आता ना, ठीक है? और अगर हेटरोजाइगस डोमिनेंट है तो टॉल और ड्वार्फ दोनों आ जाएगा। चलो अभी मैं आपको एक और क्रॉस समझाता हूं,
एक और बात समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यहां देखना, क्या यहां पर टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो जीनोटाइप के रेशियो के बराबर है या नहीं है? श्रेयास बेटा अपना वीडियो ऑफ कर लो, श्रेयास वीडियो ऑफ करो। फिनोटाइप का रेशियो 1:1 आ रहा है, जीनोटाइप का रेशियो भी 1:1 आ रहा है। अब चलो जिसको एक दो पॉइंट नहीं समझ में आया टेस्ट क्रॉस वाला, देखो अगला जो मैं जा रहा हूं बात करने अपने आप क्लियर होने वाला है, ध्यान से सुनना। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, अब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हुआ तो F1 जो है वो हेट्रोजाइगस है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करा रहा हूं तो, और रेसेसिव से क्रॉस कराएंगे। अब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आप तो इसका गैमेट बना सकते हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, इससे गैमेट चार टाइप के अपन बना सकते हैं, और रेसेसिव वाले से गैमेट अपन बना लेंगे एक टाइप का, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गया बेटा चार जायगोटिक कॉम्बिनेशन, बड़े आराम से बना लोगे। फिनोटाइप लिख सकते हो, ये राउंड येलो दिखेगा, फिनोटाइप देख सकते हो राउंड ग्रीन दिखेगा, तीसरा डब्बा रिंकल्ड येलो, चौथा रिंकल्ड ग्रीन। तो फिनोटिपिक रेशियो देख लो बेटा 1:1:1:1 आ रहा है ना, जीनोटिपिक रेशियो भी देख लो बेटा चारों का अलग होगा ना 1:1:1, तो क्या यहां पर भी बोल सकता हूं फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, यहां पर भी आपको दिख रहा है फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। अब यहां पर ध्यान रखें आप हमेशा कि टेस्ट क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है क्या बेटा? आउट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है क्या? क्या आउट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है क्या? नहीं, आउट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या था 1:0 और जीनोटिपिक रेशियो क्या था 1:1, याद है? सवाल क्या बनता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा बना करके दिया जाए, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट आता है बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने और आप मुझे ट्रू और फॉल्स में जवाब देना, ठीक है बेटा, क्वेश्चन से चीजें और क्लियर होती हैं। मैं बोलता हूं यहां पर कि ऑल बैक क्रॉस हैव सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, ऑल बैक क्रॉस हैव सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, फॉल्स हो गया ना? सभी बैक क्रॉस थोड़ी होगा, क्योंकि बैक क्रॉस के अंदर भी दो केस है, एक तो आउट क्रॉस और एक तो टेस्ट क्रॉस। सीधी सी बात है, F1 का होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कराना आउट क्रॉस, और F1 का होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करा देना टेस्ट क्रॉस, बस यही तो बात है। जिसमें हमने देखा कि आउट क्रॉस में बेटा फिनोटिपिक रेशियो तो 1:0 था और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 था, यानी आउट क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो सेम नहीं था। टेस्ट क्रॉस में आपको दिख रहा है कि हाँ फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम है। बेटा जेनेटिक्स में ध्यान से सुनना, जेनेटिक्स में मैं बेटा तीन जगह बात करूंगा जहां फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, कितनी जगह पे? तीन जगह पे। आज पहली जगह पे हमने देखा है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में हमें नजर आया है फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम, यहां से सवाल बनता है, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि इन जेनेटिक्स तीन जगहों पर आपको दिखेगा फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। आज मैंने बता दिया एक, और वो है टेस्ट क्रॉस, बाकी के दो अपन आगे बताएंगे, जहां चीज आएगा वो बता दूंगा, दो और कौन सा वक्त आने पर बताऊंगा बेटा प्रिया, है ना? अभी ध्यान रखें, एक केस आ गया है टेस्ट क्रॉस का जहां फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो आ गया, बराबर। अब चलें जरा थ्योरी को अपने समझेंगे अभी थोड़ी देर में, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो तो अभी एक और एग्जांपल लूंगा, बिल्कुल एंड एंड में पूरी थ्योरी समराइज हो जाएगी, उससे पूरी थ्योरी समराइज होगी, एंड में लूंगा उसको मैं, उस पॉइंट को एंड में। अब जरा आपको पता है बेटा क्या होता है? सबको पता है कि डाई हाइब्रिड दो मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लाई होता है ना, डाई हाइब्रिड दो मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लाई होता है, ट्राई हाइब्रिड तीन मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे पास तो क्या है भाई, तीन मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लाई कर देना है तो इससे मुझे ट्राई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस आ जाएगा। मैं यहां पर क्या करता, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, स्मॉल आर स्मॉल आर, small y, small t, यही तो क्रॉस कराता। ये हो गया बेटा F1 और ये हो गया बेटा यहां पर रेसेसिव पेरेंट, यही तो होता है टेस्ट क्रॉस। अब इससे बेटा आप आठ टाइप के गैमेट बनाते, एक दो, अब आपको पता है बेटा चेकर बोर्ड से, वो सॉरी फोर्क लाइन मेथड से आठ टाइप के गैमेट बना सकते थे, ठीक है ना? और इससे बेटा आप एक टाइप का गैमेट बनाते,
और फिर आप चेकर बोर्ड बनाते, ठीक है ना? फिर आप चेकर बोर्ड बनाते तो टाइम क्या होता है बेटा, ज्यादा लग जाता है ना ऐसे अलग अलग आप स्टडी करो तो, ठीक है ना? तो ये डब्बे डब्बे खेलना नहीं है हमें। मैंने आपको हमेशा कह दिया बेटा, एकलौता तरीका ही ध्यान रखना है। ये तो मेथड वन है। मेथड वन का मतलब क्या है कि एक साथ स्टडी करें, गैमिट बनाएं, डब्बे बनाएं, ये है मेथड वन। लेकिन मैंने बोला था बेटा आपको सॉल्व किससे करना है, मेथड टू से। मेथड टू क्या था बेटा, मोनो हाइब्रिड मानते हुए मल्टीप्लाई करो, और कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं रहता क्रॉस के। जब भी क्वेश्चन आए, आपको पता है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 1:1 और 1:1 आया था, ये तीनों के मोनो हाइब्रिड कराते तो टेस्ट क्रॉस, मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें रिजल्ट आ जाएगा। दिख रहा है बेटा, क्लियर? है ना? तो आपके पास मेथड दो है जो मैंने बताया था, जब भी क्रॉस के क्वेश्चन आते हैं। एक मेथड ऐसा है कि बेटा आप F1 से आठों गैमिट बनाएं, और गैमिट बनाना फोर्क लाइन मेथड से हमने सीख रखा है काफी पहले। टेस्ट पहला जो हुआ था उसके पहले हमने खत्म कर चुके थे गैमिट फॉर्मेशन, है ना? और इससे आप जो है बॉक्स बनाएं। तो ये वाला मेथड मैंने बोला था बेटा आप यूज मत करना। सेकेंड मेथड में मैंने बोला था आप क्या करो, मोनो हाइब्रिड मान करके। तो आपको पता है कि बेटा ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करना है तो तीन मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? अरे बेटा मल्टीप्लाई करना भी बताऊं क्या वीरेश्वर बेटा? देख यहां पर भाई, 1:1, 1:1 का मल्टीप्लाई करेगा तो ये वन को इन दोनों वन से मल्टीप्लाई कर ले, और फिर इस वन को इन दोनों वन से मल्टीप्लाई कर ले, तो चार बार वन आ जाएगा। फिर इन चारों वन को इन दोनों वन से मल्टीप्लाई करते रहना, आ जाएगा 8 बार। कर लोगे ना भाई मल्टीप्लाई? कल बताया तो था मैंने। हाँ प्राची सही कह रही हो बेटा, मल्टीप्लाई करना है ना। यहां पर भी देखो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आएगा, ठीक है? समझ गया, चलो बढ़िया है। आइए अब मैं रिवाइज करा रहा हूं बेटा टेस्ट क्रॉस, ध्यान से देखना सारे पॉइंट्स अब क्लियर होंगे। यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल, टू नो दी या फिर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल, या टू नो या फाइंड आउट द टाइप ऑफ गैमिट फॉर्म्ड इन अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल। जरा आ जाओ यहां पर, ये अननोन टॉल है, डोमिनेंट है, और ये अननोन ड्वार्फ है, इसको स्मॉल टी लिख दिया। अननोन ड्वार्फ हमने बोला है, लेकिन हम सबको पता होता है एक्चुअली में ड्वार्फ का जीनोटाइप। जो मेनली आपको जीनोटाइप में परेशानी आती है वो क्या होता है बेटा, डोमिनेंट वाला ही तो होता है कि नहीं? डोमिनेंट वाले ही तो जीनोटाइप में दिक्कत आती है, रेसेसिव वाले में थोड़ी दिक्कत आती है। मान लो कोई एक बिगिनर है जिसको कुछ भी नहीं पता, तो उसको पता है कि भाई ये कोई ड्वार्फ है, कुछ आइडिया ही नहीं है उसको जीनोटाइप का, तो वो बोल देगा नोन है। लेकिन जो जेनेटिक्स की जानकारी रखेगा वो तो कहेगा ना कि हाँ ड्वार्फ वाले का तो स्मॉल टी होगा, डोमिनेंट वाले का दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं? अब जरा समझना यहां पर बात को, ये अननोन टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस करा रहे, क्योंकि आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो इसलिए अब ये ड्वार्फ का जीनोटाइप सबको पता है। अब ये देखो, अगर अननोन टॉल है और इसका मान लो थोड़ी देर के लिए जीनोटाइप हमें नहीं मालूम, मैंने लिख दिया है कैपिटल टी, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा इमेजिन करके चलो हमें नहीं पता, और सिर्फ टॉल ही अगर आता तो जरा समझना, अगर इससे सभी टॉल ही बन रहे हैं इसका मतलब ये अननोन टॉल कैसा होगा, होमोजाइगस होगा कि नहीं होगा, ठीक है? अब मान लो ये दूसरा केस, अननोन टॉल है, अननोन टॉल है और ये ड्वार्फ से क्रॉस करा रहे हैं। अब अननोन टॉल मान के चलो कि भाई इसका जीनोटाइप हमें थोड़ी देर के लिए नहीं पता, जो हेट्रोजाइगस में लिखा हूं। अब आपको टॉल और ड्वार्फ दोनों मिल गया तो इसका मतलब बताओ बेटा ये अननोन टॉल कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा ना भाई? ये स्मॉल टी यहां पर है तभी तो पौधा जो है ड्वार्फ बना, यानी एक स्मॉल टी यहां से आया होगा, एक स्मॉल टी यहां से आया होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि अननोन टॉल कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। क्लियर आ रही बात समझ में? तो बेटा यहां पर क्या है, छोटी सी बात है कि अगर आप रेसेसिव से क्रॉस कराते हो किसी डोमिनेंट का,
तो अगर सभी डोमिनेंट आ जाएं तो डोमिनेंट जो क्रॉस में पार्ट लिया है वो होमोजाइगस है, और अगर आपने रेसेसिव का डोमिनेंट से क्रॉस कराया है और आपको टॉल ड्वार्फ दोनों मिल गया, रेसेसिव नहीं मिल गया, इसका मतलब जो डोमिनेंट वाले का क्रॉस कराया था वो हेट्रो है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मोनोहाइब्रिड क्वेश्चन के जैसा ही है बेटा। चलो, यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस। अब आपके एनसीईआरटी में बेटा एक डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 75 पर, है ना, पेज नंबर 75 पर। एनसीईआरटी भी बेटा मुझे लेकर के चलना ही है, क्योंकि मेरा बेटा फोकस एनसीईआरटी पे भी रहता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी पे ही आता है। तो बेटा एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर द नीट, व्हाट डिड आई से इन वेरी प्रीवियस क्लासेस, है ना। एनसीईआरटी यू हैव टू कवर इट वेरी ऑनेस्टली, राइट। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते रहे। अब एनसीईआरटी में बेटा पेज नंबर 75 पर एक टॉप पर बेटा यहां पर बनाया गया एक फिगर, ठीक है, समझना। यहां पर फ्लावर कलर वायलेट होगा डोमिनेंट और व्हाइट होगा रेसेसिव, आप सबको पता है। अननोन वायलेट, वही लास्ट स्लाइड जो है बेटा वही सेम अभी यहां पर भी आ रहा है, दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। अननोन वायलेट को क्रॉस करा रहे व्हाइट से, अननोन वायलेट का क्रॉस करा रहे व्हाइट से, किसका जीनोटाइप, सिंस यू आर स्टडिंग द जीनो जेनेटिक्स, किसका जीनोटाइप आप बता सकते हो? व्हाइट का बता सकते हो, रेसेसिव है कि नहीं, बता सकते हो? हाँ, टेस्ट क्रॉस में हमेशा फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम होता है बेटा, हमेशा सेम होता है मयंक बेटा, हमेशा, ठीक है ना। मान लो आपने क्रॉस कराया बेटा, ठीक है, क्रॉस कराया इनके बीच में और रिजल्ट मिला बेटा ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। अब जरा बताना बेटा, अगर रिजल्ट आपको सारा वायलेट मिला है तो ये अननोन वायलेट कैसा होगा, होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस, बताओ, समझ में आ रही बात। इंटरप्रिटेशन हमारा क्या होगा, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस, क्लियर हो गया बेटा बात। अगर हेट्रोजाइगस होता तो बेटा क्या होता, आपको वायलेट भी मिलता व्हाइट भी मिलता, मिलता नहीं मिलता बेटा, है ना। अब क्लियर हो रहे बेटा, बहुत बढ़िया, चलें आ जाए आगे देखें। अगर मान लो यहां पर अननोन वायलेट को व्हाइट से क्रॉस करा दें, है ना, अगर मान लो कि आपको हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट मिले एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाइट मिले, तो जरा बताओ ये अननोन वायलेट कैसा होगा, आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। आपका इंटरप्रिटेशन यही होगा ना बेटा, वो अननोन वायलेट हेट्रोजाइगस है, क्योंकि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस अगर आप कराते, है ना, तो ये देखो यहां पर होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस कराओगे होमोजाइगस रेसेसिव से, तो जाहिर सी बात है सभी के सभी क्या आएंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, सभी वायलेट आएगा। और यहां पर बेटा आप हेट्रोजाइगस अगर लोगे वायलेट को, तभी तो आपको इक्वल चांसेस में वायलेट और व्हाइट मिलेगा, ठीक है ना। सर अब क्लिस्टर क्लियर हो गया, हाँ अभी रेस्टोरेंट में बोल रहा था ना, अभी आ जाएगा आगे, एक दो पॉइंट है उससे सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब तो किसी को टेस्ट क्रॉस में डाउट नहीं होगा। टेस्ट क्रॉस का मेन काम क्या है बेटा, टेस्ट करना, किसका टेस्ट करना, रेसेसिव का जीनोटाइप या डोमिनेंट का जीनोटाइप, बताना बेटा। डोमिनेंट का जीनोटाइप, समझ में आई बात, डोमिनेंट का जीनोटाइप। रेसेसिव का जीनोटाइप क्या टेस्ट करना है, हमें तो पता ही होता है, जो जेनेटिक्स का स्टूडेंट होता है उसको तो रेसेसिव का जीनोटाइप पता ही होता है। समस्या आती है बेटा डोमिनेंट का जीनोटाइप, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलता हूं बेटा, डोमिनेंट के जीनोटाइप पता लगाना हो, किसी भी डोमिनेंट के जीनोटाइप का पता लगाना हो, क्या बेटा आउटक्रॉस से पता कर सकते हो क्या, क्या आप आउटक्रॉस से पता लगा सकते हो? नहीं भाई, मैं एक डोमिनेंट का क्रॉस कराने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसका मुझे नहीं पता जीनोटाइप, और होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कराऊं, तो कोई अननोन डोमिनेंट का होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कराओगे बेटा, हमेशा डोमिनेंट ही आएगा फिनोटाइप। So, no analysis is possible. इसीलिए मेंडल ने उसको आउट कर दिया, उसको यूज नहीं किया, इसलिए क्या नाम आ गया बेटा, आउट क्रॉस, ठीक है ना। अब मेंडल क्या करते थे बेटा, कि जब भी उनके पास कोई भी डोमिनेंट हुआ करता था तो उसको वो सेल्फिंग करा करके भी चेक करते थे कि वो होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है, और फिर से वेरीफाई करते थे, कंफर्म करते थे, टेस्ट करते थे, क्या वो वास्तव में होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है,
तो इसलिए यहां पर हो गया क्लियर, टेस्ट क्रॉस की हेल्प। अब चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन बनाता हूं बेटा, एक क्वेश्चन बताता हूं आपसे। मैं कहता हूं कि आप ये बताओ कि किसी भी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता लगाने के लिए क्या बोल रहा है बेटा यहां पर। ओम शिवाजी बेटा क्या बोल रहा है, तेरी बात समझ नहीं आई मेरे, क्या पूछ रहा है बेटा तू। बेटा कॉल कर लेना अभी क्लास के बाद मुझे, है ना। आयुष बेटा ये पीछे ही पड़ा हुआ है सर, लास्ट स्लाइड यार पीछे मत जाने दे बोला करो मुझसे यार। आप रिकॉर्डिंग आ जाए उसमें देख लेना पीछे स्लाइड बेटा, बार बार पीछे थोड़ी जाएंगे यार, अब आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, है कि नहीं। तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ले भाई देख ले भाई पीछे स्लाइड जब से लिख रहा है। बाकी मैंने नंबर दे रखा है यार, आराम से पूछ लिया करो, है कि नहीं। पीछे नहीं आना चाहिए कभी भी, इंसान को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और आप लोग पीछे ले जाते हो, दैट्स नॉट गुड। है ना, तो आप तो क्या किया करो कि अगर कोई चीजें छूट जाए या ऐसा लगे कि भाई पीछे वाला स्लाइड फिर से देखने का मन कर रहा है, तो आप क्या करो बेटा, नहीं बेटा नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, ओम शिवाजी ट्रूमैन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, सिर्फ मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं, बार बार ये पूछना नहीं बेटा सर ये किताब पढ़ ले वो किताब पढ़ ले ये कर ले क्या वो कर ले क्या, कुछ नहीं पढ़ना है। बस क्या क्या है देखो, 5 पैरामीटर्स, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। टाइम वेस्ट होगा बेटा, जितना टाइम बचे रिवाइज करो बार बार, फालतू की जगहों पर भटकने का कोई मतलब नहीं है बेटा। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बहुत साधारण आते हैं, मार्क्स इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि चीजें रिवाइज नहीं होती हैं। क्या क्या पढ़ना है ध्यान से, ये 5 का मुट्ठी 5, ये 5 चीजें जो बोलने जा रहा हूं, क्या पढ़ना है बेटा, मॉड्यूल की थ्योरी, है ना, जो मॉड्यूल की थ्योरी हम अभी अपने पीपीटी से या पीडीएफ से आपको भेजते हैं, वो हो गया मॉड्यूल की थ्योरी। दूसरा हो गया बेटा यहां पर एनसीईआरटी, बाइबल है वो तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। फिर उसके बाद से तीसरा हो गया बेटा यहां पर क्या चीज, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब हो गया बेटा उसमें एक्सरसाइजेस भी, कई ऐसे होंगे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करते होंगे, नहीं एनसीईआरटी का बेटा हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज सोना है, समरी लिखा हो वो भी पढ़ना है, कहीं भी कोई भी लाइन, सिर्फ पेज नंबर जो नीचे लिखा रहता है ना वो छोड़ के सब पढ़ो एनसीईआरटी में, एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। समरी भी पढ़ना है, स्टार्टिंग में जो दिया रहता है वो सब पढ़ना है, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा हंसने की जरूरत नहीं है, फोन बेटा आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इट इज गोल्डन बुक फॉर अस। तो पहला तो मॉड्यूल कि थ्योरी, दूसरा है बेटा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हर चीज है, फिर उसके बाद से आ गया तीसरा मॉड्यूल का क्वेश्चन, तीसरा हो गया बेटा मॉड्यूल का क्वेश्चन, चौथा हो गया बेटा रेस का क्वेश्चन, चौथा हो गया रेस का क्वेश्चन, पांचवा हो गया क्या चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में ही अब शामिल कर दिया गया पिछले कुछ सालों से, इसलिए 4 ही पैरामीटर बोल सकते हैं अपन, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मॉड्यूल में ही आ गया है कि नहीं। तो क्या क्या पढ़ना है बेटा, मॉड्यूल की थ्योरी, एनसीईआरटी की थ्योरी, रेस के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन, क्लियर। एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट लिखा है वो भी पढ़ना है, हाँ एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट लिखा है वो ही पढ़ना। तो इतनी चीजें कर लो बेटा, उसके अलावा कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, टाइम मिले रिवाइज करते रहना, ठीक है। दैट थिंग जो मैंने अभी बताया दैट इज एनफ। अब आगे आइए, बाकी जो बातें करनी हो मेरे से यू कैन डिस्कस इट विथ मी पर्सनली, राइट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। चलें भाई आ जाए यहां पर, बात कर रहा था बेटा स्पेशल क्रॉस, स्पेशल क्रॉस का मैंने अभी बात किया यहां पर, जिसमें स्पेशल क्रॉस में सबसे पहला स्पेशल क्रॉस हमने देखा था, और वो स्पेशल क्रॉस था सबसे पहला क्या चीज बेटा, बैक क्रॉस।
स्पेशल क्रॉस, ये लो सौम्या सर आउट क्रॉस बता दो बेटा, पूरी कहानी खत्म हो गई है, पूछ रही है कि सर आउट क्रॉस बता दो। बेटा आप मुझे फोन करके पूछ लेना सौम्या, ठीक है ना। अब यहां देखे, अरे हाँ क्वेश्चन ही भूल गया मेरा, कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछने वाला था। देखो यही ट्रैक से घुमा देते हो मुझे, मैं भूल जाता हूँ, है ना। ध्यान से सुने आप क्वेश्चन जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये था बेटा, मान लो कि मैं क्वेश्चन बनाऊं और बोलूं कि किसी भी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता करना हो, किसी भी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता करना हो तो किससे पता कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देता हूं बेटा टेस्ट क्रॉस, दूसरा ऑप्शन देता हूं सेल्फ पॉलिनेशन, तीसरा ऑप्शन देता हूं बोथ। किसको चुनोगे बेटा? बोथ, क्लियर, बोथ चुनोगे। अगर मान लो मैं आपको मजबूर करूं और बोलूं कि डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप डिसाइड करना हो और एक ऑप्शन दू टेस्ट क्रॉस, दूसरा ऑप्शन दू सेल्फ पॉलिनेशन, किसको चूज करोगे? किसको चूज करोगे? टेस्ट क्रॉस को, ठीक है ना। किसी भी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का आपको जीनोटाइप पता लगाना हो तो आप टेस्ट क्रॉस से भी पता कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से भी पता कर सकते हैं। लेकिन जरा आप मुझे ये बताओ, क्या आप हर जगह सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हो क्या बेटा? क्या एनिमल्स में करा सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन? नहीं हो सकता ना, नहीं करा सकते। सेल्फ पॉलिनेशन तो बेटा सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट में ही करा सकते हैं, क्लियर। आप जो है सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में करा सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि हर जगह कौन सा वैलिड है बेटा? टेस्ट क्रॉस हर जगह वैलिड है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है बेटा, मैं हर छोटी छोटी बातों भी आपको बताता हूं। ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे ऐसा सवाल पूछूं कि भाई किसी भी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता लगाना है, एक ऑप्शन देता हूं टेस्ट क्रॉस से पता लगा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन बोलता हूं सेल्फ पॉलिनेशन से पता लगा सकते हैं, और तीसरा लिखता हूं दोनों से पता लगा सकते हैं, तो हम तो चूज करेंगे दोनों को। लेकिन अगर मान लो कि इन दोनों में सेलेक्ट करने पर मजबूर किया जाए, कई बार क्वेश्चन हमें मजबूर भी करता है कि बताओ कौन सा जो है आंसर जाएगा, तब आपको चुनना होगा बेटा टेस्ट क्रॉस, और सेल्फ पॉलिनेशन में चुनने पर मजबूर किया जाए तो टेस्ट क्रॉस को ऑप्ट करोगे जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाने के लिए। अब जरा ये बताओ बेटा, जब आप जीनोटाइप पता लगा सकते हो किसी भी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का, तो क्या गैमेट का पता नहीं लगा सकते क्या? जब जीनोटाइप पता लगा लोगे डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का तो गैमेट भी बता सकते हो, है कि नहीं। तो टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप का पता लगाने के लिए और गैमेट का पता लगाने के लिए कराया जाता है। अब लो ये लिख रहा है सर, अगर दोनों ऑप्शन में दिया जाए तो, इसीलिए तो समझा रहा था भाई इतनी देर से, यही तो बोल रहा था दोनों ऑप्शन में हो तो। दोनों ऑप्शन में हो तो बेटा सिर्फ किसको चूज करना? टेस्ट क्रॉस चूज करना, यही तो जब से बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं। प्रायोरिटी टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। प्रायोरिटी की बात आए तो टेस्ट क्रॉस, आसान भाषा में समझ लो, धरियाल ने बोला, बहुत बढ़िया बेटा। चलें आइए दूसरा स्पेशल क्रॉस बेटा बात करते हैं। पहला था यहां पर, पहला था स्पेशल क्रॉस बैक क्रॉस, दूसरा अपन स्पेशल क्रॉस मेंडल की बात करने जा रहे हैं, वो है रेसिप्रोकल क्रॉस। बड़ा अच्छा है टॉपिक है रेसिप्रोकल क्रॉस। इट इज अ सेट ऑफ टू क्रॉसेस इन विच इन सेकेंड क्रॉस सेक्स ऑफ द पेरेंट्स आर रिवर्स्ड। दो क्रॉस कराया गया और इन दो क्रॉस में पेरेंटल सेक्स को दूसरे क्रॉस में रिवर्स कर दिया गया। जरा समझना, एक एग्जांपल लेकर के ये चीजें और क्लियर होंगी। मेंडल कंडक्टेड रेसिप्रोकल क्रॉस टू नो दी, ये ग्रामेटिकल एरर है, इसको लिखना टू फाइंड आउट दी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन पेरेंटल सेक्स और नॉट। बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं दिव्यांश बेटा, सब बताएंगे, रुक जा तू, रुक जा, अभी आगे बढ़ने तो देते लोग के क्वेश्चन ही इतना जल्दी जल्दी दागता रहता, अभी मैं टॉपिक शुरू नहीं करता हूं तुम लोग क्वेश्चन के झड़ी लगा देते हो, ठीक है। अब ये क्रॉस वन, क्रॉस वन में है बेटा यहां पर प्योर टॉल, और ये मान लो मेल है, इसको हमने कह दिया प्योर ड्वार्फ, है ना बेटा। जरा बताना यहां पर ये फीमेल लिखने का मतलब क्या है, कि पाइसम सटाइवम यूनिसेक्सुअल है? नहीं, पाइसम सटाइवम तो बेटा हमेशा क्या होता है,
पाइसम सटाइवम तो बेटा हमेशा होता है बाईसेक्सुअल। और मेंडल का ये जो भी हम वर्क कर रहे हैं ये सब किस पर देख रहे हैं, ये सब हम पाइसम सटाइवम पर ही देख रहे हैं, ठीक है ना। मेंडल ने तो पाइसम सटाइवम पर ही वर्क किया था, तो मेंडल की जितनी भी बातें हो रही हैं वो सब पाइसम सटाइवम पर ही कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि मेंडल की जो बातें हैं इनहेरिटेंस की बातें हैं वो केवल पाइसम सटाइवम पर ही वैलिड करती है, नहीं। मेंडल की बातें जो कंक्लूजन या रिजल्ट हैं वो हर उस ऑर्गेनिज्म पर वैलिड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है। मेंडल की सारी बातें फुलफिल होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिजम्स पर। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट था किस मॉडल ऑर्गेनिज्म पर, वो मॉडल ऑर्गेनिज्म था पाइसम सटाइवम। पूरी हिस्ट्री सुनाया था बेटा, आपको याद भी होगा, बोला भी था कि पाइसम सटाइवम याद रखना। अब देखो यहां पर पाइसम सटाइवम के बाइसेक्सुअल कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ही प्लांट पर, देखो बेटा यहाँ पर एंथर भी है और ये देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, ठीक है ना। तो ये है मेल पार्ट और ये है कार्पल यानी फीमेल पार्ट, ठीक है। अब यहां से फीमेल कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मेल वाले पार्ट को कट कर दूंगा, इमैस्कुलेशन किया है। तो फीमेल लिखने का मतलब क्या हो गया बेटा कि इस बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट में से मेल वाले पार्ट को कट करके हटा दिया है, इमैस्कुलेशन किया है, ठीक है ना। यहां मेल लिखने का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां से पॉलन कलेक्ट किया गया, पॉलन लिया गया है। और यहां फीमेल लेने का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर इमैस्कुलेशन किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद से जरा देखना, पेरेंट को रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया बेटा, पहले इमैस्कुलेशन, जरा देखो क्रॉस वन में इमैस्कुलेशन किस में कराया था, टॉल में कराया था या ड्वार्फ में, क्रॉस वन में इमैस्कुलेशन किस में कराया था बेटा, क्रॉस वन में, टॉल में, है ना। जरा बताओ बेटा क्रॉस टू में इमैस्कुलेशन किस में करा रहे हैं, क्रॉस टू में इमैस्कुलेशन में किसको करा रहे हैं, ड्वार्फ में। यानी कि क्रॉस टू में फीमेल को किस तरह से कंसिडर किया है, फीमेल की तरह कंसिडर किया ना बेटा। तो क्या सेक्स रिवर्स हो गया, नहीं हो गया। सेक्स रिवर्स करने का मतलब हो गया बेटा गैमेट के सोर्स को एक्सचेंज कर दिया, गैमेट के सोर्स को एक्सचेंज कर दिया। पेरेंटल सेक्स रिवर्स का मतलब गैमेट के सोर्स को एक्सचेंज कर दिया, मतलब क्रॉस वन में फीमेल गैमेट हम टॉल से ले रहे थे और मेल गैमेट ड्वार्फ से ले रहे थे, जबकि क्रॉस टू में बेटा हम फीमेल गैमेट किससे ले रहे हैं, क्रॉस टू में फीमेल गैमेट ड्वार्फ से ले रहे हैं और मेल गैमेट किससे ले रहे हैं, टॉल से, ठीक है। तो यहां पर ड्वार्फ वाले में तो इमैस्कुलेशन करा दिया और यहां पर बेटा हमने क्या कर दिया, पॉलेन ले लिया। पॉलेन में क्या होता है बेटा, मेल गैमिट होता है, नहीं होता। और इमैस्कुलेशन कराने के बाद खाली फीमेल पार्टी तो रह जाता है, क्लियर। इमैस्कुलेशन करा दोगे तो एंथर या स्टेमन को हटा दिए तो खाली फीमेल पार्टी तो रह जाएगा और फीमेल के कार्पल के अंदर ही तो यहां पर एग प्रेजेंट रहता है कि नहीं, क्लियर है। तो क्रॉस वन में जरा देखो फीमेल इज टॉल, आसान भाषा में समझो, और आप क्रॉस टू में देखो मेल हो गया है टॉल। क्रॉस वन में मेल है ड्वार्फ जबकि क्रॉस टू में फीमेल हो गया है ड्वार्फ। तो पेरेंटल सेक्स क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया ना। क्रॉस वन में जो पेरेंट थे वो रिवर्स हो गए क्रॉस टू में। रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया बेटा, गैमेट के सोर्स को ही बदल दिया हमने, है ना, गैमेट के सोर्स को ही बदल दिया। यानी क्रॉस वन में टॉल में इमैस्कुलेशन करा रहे थे तो क्रॉस टू में बेटा टॉल में इमैस्कुलेशन नहीं करा रहे, टॉल को पॉलन ले रहे। क्रॉस वन में ड्वार्फ से पॉलन ले रहे थे तो क्रॉस टू में बेटा ड्वार्फ से पॉलन नहीं ले रहे, ड्वार्फ में मैस्कुलेशन करा दे रहे, क्लियर है ना। अब ये मेंडल ने बेटा कराया भी तो क्यों कराया, मेंडल ने ये क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस कराया होगा, कुछ तो उनके दिमाग में आया होगा तभी तो ये क्रॉस कराया होगा। उन्होंने बेटा ये बात इसलिए कराया, जरा समझना क्यों बेटा इन्होंने ये क्रॉस कराया। उन्होंने सोचा कि भाई मैं पॉलन ड्वार्फ से ले रहा हूं और इमैस्कुलेशन टॉल में ले रहा हूं, अगर मान लो कि मैं ये ना करके मैं पॉलन जो है वो टॉल से ले लूं और इमैस्कुलेशन ड्वार्फ में करा दूं तो क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता है क्या। मेंडल ये देखना चाहते थे कि
कि क्या क्रॉस में पैरेंटल सेक्स का, यानी कि कोई मेल और फीमेल कंसिडर करने से क्या रिजल्ट पर इफेक्ट मिलता है क्या? मेंडल ये देखना चाहते थे कि जो पैरेंटल सेक्स, मतलब मदर या फादर, ठीक है ना, तो पैरेंटल सेक्स से क्या क्रॉस पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? तो मेंडल ने क्या देखा बेटा, क्रॉस वन और क्रॉस टू में जब भी इन्होंने क्रॉस कराया तो इनको F1 में सभी के सभी टॉल ही मिले। देखो क्रॉस वन में भी टॉल मिला और क्रॉस टू में भी टॉल मिला F1 में, और फिर इसका सेल्फिंग भी जब कराया तो सेल्फिंग कराने के बाद भी F2 में इनको रिजल्ट बिल्कुल सेम मिला, हूबहू टॉल और ड्वार्फ 3:1 के रेशियो में। और फिर से इन्होंने क्या कराया, इधर क्रॉस टू में भी सेल्फिंग कराया और यहां पर भी F2 में इनको क्या मिला, टॉल और ड्वार्फ, और ये भी मिला बेटा यहाँ पे 3:1 के रेशियो में। यानी कि क्या मेंडल ने जब रेसिप्रोकल क्रॉस कराया था तो क्या बेटा यहां पर रिजल्ट में कोई डिफरेंस आया क्या? रिजल्ट में कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं आया। देखो तो मेंडल ने क्या कहा, मर्जी पड़े आप पॉलन टॉल से ले लो, मर्जी पड़े पॉलन आप ड्वार्फ से ले लो, चाहे आप किसी से भी पॉलन ले लो और किसी में भी मैस्कुलेशन करा दो, रिजल्ट विल रिमेन द सेम। यानी आपने गैमिट कहां से लिया इससे फर्क नहीं पड़ रहा, यानी आपने किसको मेल माना है पेरेंट, किसको फीमेल माना है पेरेंट, डजंट इफेक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेंडल ने यहां से कंक्लूजन दिया था, क्या कंक्लूजन दिया था बेटा यहां पर देखना, इनका जो कंक्लूजन था शायद नेक्स्ट स्लाइड पे कंक्लूजन लिखा होगा, अच्छा ये लिखा ही हुआ यहीं पर ही, इसी में टाइप किया हुआ है, रुक जाओ इसको हटा दूं तभी ये क्लियर से दिखेगा जो कंक्लूजन है। F1 और F2 इतना ध्यान रख लेना, F1 और F2 पर रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिला है, पीपीटी में खाली F1 पर ला करके छोड़ दिया है, हालांकि मेंडल आगे भी वर्क कराया करते थे। तो F1 और F2 आगे तक इनको रिजल्ट बिल्कुल हूबहू सेम मिला, F1 पर भी और F2 पर भी। तो इनका रिजल्ट क्या है बेटा जरा देखो, रिजल्ट जो लिखा हुआ है पढ़ करके देखो, क्लियर हो गया होगा पढ़ करके देखोगे तो, मेंडल ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट इन बोथ क्रॉस। तो मेंडल ने बेटा दोनों क्रॉस में रिजल्ट सेम पाया। कंक्लूजन क्या रहा, तो मेंडल ने कंक्लूजन ये दिया, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पैरेंटल सेक्स। यानी मेंडल ने ये कहा था कि कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर सेक्स का इफेक्ट नहीं होता, यानी कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का इफेक्ट नहीं होता कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर। मेंडल ने ये कंक्लूजन दिया था किससे, रेसिप्रोकल क्रॉस से, है ना, आपको मर्जी पड़े तो किसी को भी मेल कंसिडर कर लो, आपको मर्जी पड़े किसी को भी फीमेल कंसिडर कर लो, और अगर आप पेरेंट्स को प्योर मानते हुए क्रॉस कराते हैं तो रिजल्ट में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आता, ये मेंडल ने कंक्लूजन किया। तो मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, है ना, एक्सपेरिमेंट ए, है ना, एक्सपेरिमेंट ए जिसको क्रॉस वन और एक्सपेरिमेंट टू को क्रॉस टू कह दिया। बस इन दोनों डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में इतनी फर्क थी बेटा, इतना बस डिफरेंस था कि इन्होंने पेरेंटल सेक्स को एक्सचेंज कर दिया था। और पेरेंटल सेक्स एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि बेटा क्रॉस वन में या एक्सपेरिमेंट ए में प्योर टॉल को फीमेल मान लिया था, जबकि क्रॉस टू में फीमेल को इन्होंने प्योर टॉल नहीं माना, क्या मान लिया बेटा, ड्वार्फ मान लिया। बता रहा हूं बेटा वैभव, रुक जा तो आएगी बात, अभी रुक जा, है ना। तो व्हाई डिड ही थैंक यू बेटा आर्यन। अब यहां पर देखो, व्हाई डिड ही परफॉर्म दिस क्रॉस, क्वेश्चन भी अभी फिर से पूछ रहे तस्नीम बेटा। मैंने अभी बोला मेंडल ने ये रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों कराया था, मेंडल ने बेटा रेसिप्रोकल क्रॉस इसलिए कराया था ताकि वो यह फाइंड आउट करना चाहते थे कि कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर क्या किसी सेक्स का इफेक्ट होता है या नहीं, मेल या फीमेल का इफेक्ट होता है या नहीं, है ना। तो जरा देखो यहां पर सेकेंड पॉइंट यही तो लिखा है ना, कि मेंडल कंडक्टेड रेसिप्रोकल क्रॉस टू फाइंड आउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज डिपेंडेंट ऑन पेरेंटल सेक्स और नॉट। तो मेंडल ने यही देखना चाहा और इसी के बेसिस पर इन्होंने कंक्लूजन दे दिया कि नहीं, डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखो असल में क्या था यहां पर,
एक बात समझे यहाँ पर ध्यान पे, ध्यान से बेटा, मेंडल का काम जेनेटिक्स में बहुत कम था, मेंडल का काम जेनेटिक्स में बहुत कम था, लेकिन जो भी था वो बहुत इंपॉर्टेंट था जेनेटिक्स के बुनियाद के लिए, फाउंडेशन के लिए, रूट के लिए, एक इनहेरिटेंस के स्टडी के तरीके के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। अब क्या हुआ कि मेंडल जो है उस दौर में बड़े कम समय के लिए काम किया था। आप सबको पता है 1856 से 1863 तक काम किया था, याद होगा ईयर मैंने बोला था, याद रखना है ना, हिस्ट्री वाली बातें याद रखना है मेंडल का, क्योंकि इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। 1856 से 1863। अब उन्होंने बेटा कुछ कंक्लूजन दे दिया था मेंडल ने, लेकिन जब रीडिस्कवरी हुई, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई, कौन से ईयर में हुई बेटा, 1900 में हुई ना, तो मेंडल की कई बातों के एक्सेप्शन दिखने लग गए आफ्टर 1900। मेंडल की कई बातों के एक्सेप्शन आने लग गए। जरा बताओ, मेंडल ने डोमिनेंस कह दिया था, क्या उसका एक्सेप्शन हमें आफ्टर 1900 कुछ मालूम पड़ा था क्या, आया था ना, आपको पता है डोमिनेंस का क्या था एक्सेप्शन बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। डोमिनेंस की बात कर रहा हूं, है कि नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये तो एक्सेप्शन था जिसको मैंने कहा था कि अभी चिंता मत करना, आगे आने वाला है वो भी आएगा ही, अभी एक आध लेक्चर में आने वाला है, यही आने वाला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस, बड़ा डिटेल में समझेंगे उसको भी। फिर इसके बाद से बेटा, क्या सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है या नहीं नॉर्मल केस में, यूनिवर्सल है कि नहीं, यूनिवर्सल है नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में, एबनॉर्मल में बिल्कुल नॉन डिसजंक्शन इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी मेंडल का आगे चलकर के 1900 के बाद एक्सेप्शन दिखा के नहीं दिखा बेटा, दिखा ना लिंकेज। इसी तरह से रेसिप्रोकल क्रॉस का भी जो इनका कंक्लूजन था उसका भी एक्सेप्शन मिला, उसका भी एक्सेप्शन मिला, किसका बता देंगे बेटा रवि, बेटा टेस्ट सिलेबस बता देंगे बेटा आराम से, इसका भी एक्सेप्शन मिला रेसिप्रोकल क्रॉस का। यानी कि मेंडल कहा करते थे कि कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर सेक्स का इफेक्ट नहीं होता, वो मेंडल ने अपने दौर में कह करके चले गए, लेकिन आफ्टर 1900 हमें पता पड़ा कि कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर सेक्स का इफेक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता। कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पर सेक्स का इफेक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता, तो इसका भी एक्सेप्शन देखने को मिला। तो कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल वर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन, जरा ध्यान से समझना बेटा, जो भी यहां पर जीन होगा किसी भी सेल के अंदर, तो आपको पता है बेटा न्यूक्लियस में भी जीन होगा, ठीक है ना, तो इसको तो कह देंगे अपन कैरियोजीन, भाई न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है ना, इसको कहते हैं कैरियोजीन, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में भी बेटा जीन पाया जाता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, साइटोजीन, कह सकते हैं साइटोजीन, साइटोजीन यानी साइटोप्लाज्म में कहां कहां जीन हो सकता है बेटा, आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में पढ़ा है, आपको बताया गया होगा बेटा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, याद है क्या कुछ, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स याद है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स याद है बेटा, तो इनमें भी तो जीन पाया जाता है भाई, जब इनमें डीएनए है तो इनमें जीन भी होगा, ठीक है। तो मेंडल का जो कैरेक्टर स्टडी किया गया था उसका जीन कहां था बेटा, कैरियोजीन, न्यूक्लियस में था। अब न्यूक्लियस में भी बात किया जाए तो न्यूक्लियस में भी बेटा आप सबको पता है कि न्यूक्लियस में ऑटोसोम क्रोमोसोम हो सकता है या फिर सेक्स क्रोमोसोम हो सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो जीन होगा उसको कैरियोजीन कहेंगे, जो ऑटोसोम क्रोमोसोम पर हो सकता है या सेक्स क्रोमोसोम पर हो सकता है, क्लियर। और साइटोजीन मतलब साइटोप्लाज्म में होगा और वो हो सकता है कहां पर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड में, ठीक है, ठीक है ना। तो मेंडल ने जो स्टडी किया था जीन वो कैरियोजीन था, और कैरियोजीन में भी बेटा ऑटोसोम क्रोमोसोम पर था, ध्यान से समझना। हालांकि पूरी बातें मैं इसको अभी पूरा नहीं समझा पाऊंगा, मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में ही समझा पाऊंगा, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। एंड अच्छा यहां लिखा हुआ है आगे, एंड दिस जीन्स आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम,
जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर चुने थे ना अपने स्टडी में, वो बेटा ऑटोसोम पर लोकेटेड थे। रिजल्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस चेंज हो सकता है दो केस में, एक जब जीन साइटोप्लाज्म में हो या सेक्स क्रोमोसोम पर हो। तो देखो बेटा यहां पर जीन कहां कहां हो सकता है, एक तो ऑटोसोम पर, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम पर और तीसरा साइटोजीन पर, है ना। इन तीन जगहों में से केवल एक ही जगह ऐसा है जहां पर रिजल्ट चेंज नहीं होगा। कौन सी जगह पे? ऑटोसोम पर। एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, अभी सिर्फ इतना ध्यान कर लो क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए, 5-7 मिनट चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। जीन हो सकता है न्यूक्लियस में या जीन हो सकता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जीन के वजह से रिजल्ट पर चेंज आएगा रेसिप्रोकल क्रॉस से, और न्यूक्लियस में जो जीन है वो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम पर है, तो सेक्स क्रोमोसोम से भी इफेक्ट आता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम से इफेक्ट नहीं आता, ठीक है ना। तो रिजल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड, रिजल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है ना, रिजल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड व्हेन द जीन इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा टाइम ले लो आर्यन, है ना, इसको मैं समझाऊंगा, मैंने बोला अभी इसको मैं समझाऊंगा आगे। तो इस पीडीएफ पर, इस पेज पर जो भी चीजें, इसको टेंशन मत लेना क्योंकि मैं, मुझे लगेगा बेटा अभी इसको समझाने में कम से कम 7 मिनट तो लगेगा ही, 7-8 मिनट, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखो कि जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में भी लाऊंगा कि कैरेक्टर के जीन साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है ना, और न्यूक्लियस में भी हो सकता है, इतना ध्यान रखो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। चले ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को समझेंगे अच्छे से, एक बार रिवाइज करना बेटा इसको। ओके बाय। टेस्ट का सिलेबस बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक रहेगा, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक अभी पढ़ाने वाले हैं अपन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक अभी आगे आएगा, अभी वो रहेगा, अभी टेस्ट का सिलेबस हुआ नहीं है, अभी टेस्ट का सिलेबस। चले बाय।